मॉर्निंग, आज आपको एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। इसका फंडामेंटल एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, एंटोमोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ये सब आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तो एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें एंटोमोन मीन्स होता है इंसेक्ट, और लॉजी लॉगस नॉलेज, तो इंसेक्ट के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अधिक से अधिक स्टडी करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हुई। और आप नोट कर सकते हैं कि एंटोमोलॉजी इंसेक्ट, एंटोमोन मीन्स इंसेक्ट, और लॉजी मीन्स नॉलेज। डेफिनेशन है जो आपको रटनी नहीं है, ओनली समझनी है। अब आगे आपको बताते हैं कि जंतु जगत जो है उसमें 20 समुदाय आते हैं, और उन 20 समुदाय में सबसे बड़ा जो समुदाय है आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा समुदाय है, और इसके अंतर्गत कई वर्ग आते हैं जिनमें कीट वर्ग सबसे बड़ा है। और यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में सभी जातियों की जितने भी जीव हैं उनकी जंतुओं की लगभग 12 लाख जातियां हैं, स्पीशीज हैं, जिनमें आधे से ज्यादा में इंसेक्ट हैं, 6 से 7 लाख स्पीशीज इंसेक्ट की हैं, और आधे से कम में और सब्जी हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि विश्व में सबसे ज्यादा इंसेक्ट की संख्या है। अब इसकी विशालता को इसको देखते हुए इसका जो है इंसेक्ट के बारे में और जानकारी के लिए तमाम ब्रांचेस का वर्णन किया गया है, जिनमें सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी। नंबर 1 आप नोट करेंगे इसकी ब्रांचेस मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY मॉर्फोलॉजी, इसे हिंदी बोलते हैं आकार की, आकार की, इसकी हिंदी है आकार की मॉर्फोलॉजी। तो जो इंसेक्ट हैं उनकी बारे में जो स्टडी की जाती है उसको आकार की कहते हैं। अब चूंकि ये 3 ब्रांचों में बटी हुई आकार की है, ए बी सी करके से कर सकते हैं, ए एनाटॉमी, ए एन ए टी ओ एनाटॉमी एम आई, बी हिस्टोलॉजी, सी साइटोलॉजी। तो एनाटॉमी में शरीर के बाह्य व आंतरिक अंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में टिश्यू वगैरह का अध्ययन किया जाता है, और साइटोलॉजी के अंतर्गत इंसेक्ट की सेल्स का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें दूसरी जो ब्रांचेज आती है, सेकेंड ब्रांचेज है, वो है एम्ब्रियोलॉजी, EMBRIOLOGY। एम्ब्रियोलॉजी की हिंदी है भ्रूण की, भ्रूण की। तो इस मुर्गी में जो इंसेक्ट है उसके एग से लेकर के एडल्ट तक की स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है, जितना भी छोटे से लेकर उसके बड़े होने तक उस सब की स्टडी इसके अंतर्गत की जाएगी। तीसरी इसकी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी के बाद में आप
बारे में, उसके जो पार्ट ऑफ एयर है उनके बारे में, और इंसेक्ट की जो सेल्स हैं और इंसेक्ट के अंगों के क्या कार्य हैं उन सब के बारे में स्टडी की जाती है। फोर्थ नंबर का आता है टैक्सोनॉमी, TAXONOMY टैक्सोनॉमी, ये वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण, तो इस वर्गीकरण में जैसे जो ऑर्डर है क्लासिफिकेशन, जितना उसका आइडेंटिफाई करना इंसेक्ट का, उस सब की स्टडी टैक्सोनॉमी में की जाती है। अब नेक्स्ट नंबर पे है इकोलॉजी, इकोलॉजी भाई, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में एनवायरमेंट से संबंधित स्टडी की जाती है, और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ये कई ब्रांचों से बटा है। जैसे इसमें बात करेंगे तो इकोलॉजी में इधर का सबको हटा देते हैं और ये सब साफ करके इसमें इकोलॉजी आ जाएगा। मैं इकोलॉजी में आपको बताएंगे जो पॉइंट है इकोलॉजी का, तो उसके पहले पॉइंट के बारे में बताएंगे। इकोलॉजी इसका पहला पॉइंट है जो है ए वन कर लीजिए कुछ भी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, तो ये पहला पॉइंट है इसका। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, मेन सब्जेक्ट ही आपका एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, तो एंटोमोलॉजी में तो सभी इंसेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो, लेकिन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बारे में जो एग्रीकल्चर से संबंधित इंसेक्ट हैं, खेती से संबंधित जो इंसेक्ट हैं, लाभदायक चाहे हानिकारक किस तरह के इंसेक्ट हैं, उनकी डीपली स्टडी करना एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन अभी हमने आपको एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन नोट कराई थी, उसे नोट रखने, लेकिन यदि आप सब एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको बताना है कि एग्रीकल्चर से संबंधित इंसेक्ट के बारे में जो एग्रीकल्चर, उसमें टोटल इंसेक्ट से संबंधित, इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कहलाता है। एज स्टूडेंट होंगे उसमें, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो इंसेक्ट है उनकी स्टडी करेंगे तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कहलाएगा। तो ये मेन सब्जेक्ट हुआ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब इकोलॉजी में दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा मेडिकल एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, ये सेकंड पॉइंट है इसका, और इसमें मनुष्य से संबंधित जो इंसेक्ट्स मनुष्य में बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित जो स्टडी करेंगे वो मेडिकल एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट पे वेटरनरी एंटोमोलॉजी, वेटरनरी एंटोमोलॉजी के बारे में जो वेटरनरी पशुओं से संबंधित जो स्टडी की जाती है वो सब वेटरनरी एंटोमोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, IMDUSTRIAL, ये सभी आप स्टडी में नोट करते जाएं, इसी हिंदी भी इंडस्ट्रियल उद्योग से संबंधित एंटोमोलॉजी, इसमें उद्योग से संबंधित इंसेक्ट के बारे में स्टडी की जाती है। अब उद्योग से संबंधित मेन इंसेक्ट में आते हैं जैसे कि हनी भी है, तो
वो उद्योग से प्राप्त करते हैं, उसको बेच लेंगे, पैसा आ जाएगा, इनकम हो जाएगी। तो वो सब क्या है कि उद्योग से संबंधित वो किसी इंसेक्ट से शहद तैयार हो रहा है, उनकी स्टडी, लाख इंसेक्ट है उनकी स्टडी, सिल्क वाले इंसेक्ट है सिल्क प्राप्त हो रहा है उनकी स्टडी, वो सब इसके बारे में की जाती है। तो वो आता है इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी ये सभी इनकी ब्रांचेज हैं, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी। अब इसमें फॉरेस्ट वनों से संबंधित जो इंसेक्ट हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है वो लोग। और नेक्स्ट पॉइंट इसका आएगा पैलियो एंटोमोलॉजी, पी ए एल ई ओ पैलियो एंटोमोलॉजी, पी एल पी ओ एन ओ एल ओ जी वाई पैलियो एंटोमोलॉजी। अब ये क्या है, ये पुराने समय में जो जीवाश्म एक तरह से होते हैं पैलियोलिथिक, पुराने टाइम के कंकाल, पुराने टाइम में खुदाई में अब से हजारों साल पहले इंसेक्टों के जीवाश्म जो मिलते हैं तो वो किस तरह के इंसेक्ट थे और आधुनिक इंसेक्ट कैसे हैं, उन सब की स्टडी जो करते हैं वो पैलियोएंटोमोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। कि भाई अब से हजारों साल पहले मानव इस तरह का था, अब से 5000 साल पहले मनुष्य काफी बहुत बड़े आकार का था, पशु इस तरह के थे, और वो खुदाई से पता लगती है कि हाँ स्ट्रक्चर इस तरह का था, लंबे हाथ पैर होते थे मनुष्यों के, बॉडी लंबी होती थी, तो ऐसे इंसेक्ट किस तरह के होते थे वो सब स्टडी इसमें करते हैं। तो ये अलग अलग ब्रांचेज में है, लेकिन आपको ये सब नहीं पढ़ना है, पूरा आपके सिलेबस में सब नहीं है, आपका मेन सब्जेक्ट ही एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, तो आपको जो पढ़ना है वो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पढ़ना है। ये तो सिर्फ जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया है कि ये भी एक शाखा है, इन्हें अलग अलग कोर्सेज के बच्चे पढ़ते हैं। आपको तो हमने इसकी स्टडी करनी है कि हमें एग्रीकल्चर से संबंधित कौन से इंसेक्ट हैं और वो क्या है। तो हमने आपको एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन बताई, फिर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन बता दी है कि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी किसे कहेंगे। अब इसमें एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में और विस्तृत में जाते हैं उसके बारे में और बताएंगे, और फिर इसमें जो इंसेक्ट है उसके बारे में इसे मैं हटा देता हूँ, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इससे आगे का बताते हैं और इंसेक्ट के बारे में बताएंगे, इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट किसे कहते हैं, ये किस तरह के होते हैं। तो अब हम इंसेक्ट की स्टडी करेंगे। अब इसमें क्या है कि अभी हमने बताया था आर्थ्रोपोडा के बारे में, तो आर्थ्रोपोडा जो समुदाय है वो सबसे बड़ा है और उसके अंतर्गत जो है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन तीन भाग में बटा होता है। इससे आगे में डिटेल आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसमें बताएंगे, क्या कोई दिक्कत तो हमें पूछ लेंगे। थैंक यू।